बेगूसराय में अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। जिले में अलग अलग जगहों पर हुई वारदातों से सनसनी फैल गई। पहली घटना नगर थाना क्षेत्र के पोखरिया मोहल्ले की है। यहां अज्ञात बदमाशों ने मकान मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी। आनंद फानंद में किराएदारों ने इसकी सूचना परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे। परिजनों ने मृतक की पत्नी और ससुराल वालों पर हत्या का शक जताया है, जिसके बाद पुलिस पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हम रेंटर जो है यहाँ रेंटर से शाम में साढ़े चार या पाँच के लगभग ये हमको फोन की, तो उसके बाद हम बोले कि पिंटू जी आज नहीं उठे हैं, इसे सवेरे उठ के स्नान उस्नान करके अपना चाय चाय पीने के लिए सात आठ बजे निकल जाते थे। आज हम रेंटर बोले कि 11 बजे 10 बजे उठेगी, तैयो इन लोग को कुछ पता नहीं था, और उसके बाद उन लोग को भी बर्दाश्त नहीं हुआ, रेंटर को नहीं बर्दाश्त हुआ। लास्ट में ये लोग हार फाड़ के मेरे किरदार थे वो साढ़े चार या पौने पाँच के लमसम हमको कॉल किए, और उसके बाद हम और मेरे किरदार और उनके छोटे लड़के और उनके ससुर तीनों गए देखने के लिए। देखे इनको छुरा उड़ा या कुछ भोका हुआ था, हम लोग बॉडी को नहीं देखे। उसके बाद हम मोहल्ला में जाके वार्ड के मुसलम जाके बोले, कुछ ग्रामीण कुछ सबको बुलाए, देखे तो बोला कि वही सब देखे लाश अपना थे। उसके बाद प्रशासन को अपना वार्ड के मुसलम कॉल करके उनको तब अपना हम लोग देखिए रहे। शक यही है कि उसके इसको मरवाने में उसके उनके ससुर के इनके ससुराल के ससुराल के पूरे फैमिली का पूरे हाथ है, क्योंकि मेरे मम्मी से 50,000 रुपया चार दिन पहले लेकर आए वह मेला के लेकर आए, और मेरे भैया से 50,000 इसकी पत्नी छीन ली, और छीनने के बाद बेचारा को न दुग रोटी खाने का नसीब मिलता था और न कुछ करने के, बगल में रेंटर से दुग रोटी मांग के खाता था। वहीं दूसरी घटना बीरपुर थाना क्षेत्र के पर्रा गांव की है। यहां एक युवक का शव उसके घर के पीछे बगीचे से बरामद किया गया। बदमाशों ने बेरहमी से युवक की चाकू से गला रेतकर हत्या कर शव को फेंक दिया। इस घटना के बाद लोगों ने शव के साथ सड़क जाम कर खूब हंगामा किया। बताया जाता है कि पर्रा गांव निवासी मंतोष कुमार देर रात अपने घर से निकला था, जिसके बाद वो वापस नहीं आया और सुबह घर के पीछे बगीचे से उसका शव मिला। उसके बाद जो है सब वही सब चर्च कर रहे थे, उधर कॉल है पीछे वहाँ चर्च कर रहे थे, तब उधर कुत्ता बोल रहा था, कुत्ता तो आगे में चाचा जी हैं शिव कुमार चाचा हैं, वो बोले मतलब इनका नाम लेके वो तो वहाँ पर रहा है। देखिए सर, हमारा तो हस्बैंड चला गया, तो कोई तो वापस देगा नहीं, ठीक, और मतलब ये सब हम क्या करेंगे, हम पति को कोई अति कर सकता है, अपने से अपने विधवा हो सकता है, ऐसा आप मतलब मानते हैं? बगल उगल से पूछ सकते हैं, हमको इतना हस्बैंड मानते थे ना, जो हमको जान से ज्यादा चाहिए उनको हम खून कर रहे हैं। फिलहाल घटना की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। इस घटना से नाराज लोगों ने शव के साथ बीरपुर बेगूसराय सड़क को जाम कर हंगामा किया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।